फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो एक स्टूडेंट ने मेरे पास कमेंट किया था कि जब मैंने पोस्ट डाली थी बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर की कि हमें फर्स्ट ईयर की भी बुक चाहिए, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर की कौन सी अच्छी बुक्स हैं एंड तुम्हें कहाँ से परचेज करनी है। मैंने उसका कमेंट दो दिन पहले पढ़ा था, बट मैं थोड़ी सी बिजी चल रही थी तो मैं नहीं अपलोड कर पाई ये वीडियो। बट अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाला है मैंने उस बच्ची के लिए और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप वो भी ये वीडियो देखे एंड उसको ये इसका वीडियो का बेनिफिट मिले। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल के बारे में, ठीक है। फंडामेंटल की कौन सी बुक्स लेनी है एंड कौन सी अच्छी होती है, ठीक है। सबसे पहले पीवी भी ले सकते हो फंडामेंटल की, ठीक है। पीवी नॉर्मल बुक होती है, ठीक है। अगर तुम्हें लास्ट में स्कोर करना है तो तुम पीवी ले सकते हो। एंड सेकंड आइक्लामेट भी तुम ले सकते हो। आइक्लामेट बहुत अच्छी बुक होती है प्रोसीजर के हिसाब से अगर तुम चलो तो। अगर तुम्हें मेनली प्रोसीजर्स पे फोकस करना है तो आइक्लामेट बेस्ट बुक बोलूंगी मैं, फंडा के लिए बेस्ट होती है अगर तुम। एंड एक आती है सिस्टर नैन्सी भी बोल देते, ठीक है। सिस्टर नैन्सी वाली बुक परचेज कर लेते बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, बट आई डोंट थिंक इस बुक का लेवल इतना अच्छा है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे एंड डीप नॉलेज दे, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट रिकमेंड सिस्टर नैन्सी की, सिस्टर नैन्सी तुम परचेज करो, बट लेते हैं कुछ कुछ स्टूडेंट्स तुम भी ले सकते हो, इट्स अपॉन यू। एंड एक और होती है जॉन टेलर होती है, वो उसका लेवल जो थोड़ा सा ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। अगर जिस स्टूडेंट को फॉरेन में जाना है वो स्टूडेंट्स उसको पढ़ते हैं, ठीक है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सभी बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ। तो ये चार बुक फंडा की हैं, ठीक है। इनमें से तुम्हें डिसाइड करना कौन सी तुम्हें खरीदनी है। पीवी भी ठीक है, आइक्लामेट बेस्ट है एंड सिस्टर नैन्सी ज़्यादा अच्छी नहीं है एंड जोहन टेलर बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है। देन अगर हम डिस्कस करें बायोकेम के बारे में, बायोकेम की दो तीन बुक्स होती है, तुम कोई भी खरीद सकते हो, बट जो पुनीत मंजूल की आती है मुझे ये अच्छी लगी, ठीक है। ये बुक अच्छी होती है एंड तुम इसे परचेस कर सकते हो, मेरे लिंक के थ्रू तुम परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। न्यूट्रिशन की तुम पीवी परचेस कर सकते हो एंड अगर तुम नहीं करना चाहो तो न्यूट्रिशन की तुम रहने भी दे सकते हो, अपने आप से भी तुम न्यूट्रिशन स्टडी कर सकते हो। एंड देन हम यहाँ पे बात करें माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रोबायोलॉजी की तुम डॉक्टर सीपी बवेजा की ही परचेज करना, बहुत अच्छी बुक होती है, वेल एक्सप्लेन होती है एंड तुम्हें इससे माइक्रोबायोलॉजी रटने में एंड प्रिपरेशन करने में बहुत अच्छे से हो जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी ऑलमोस्ट रटनी ही पड़ती है, तो इस बुक से तुम अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। बहुत ईजी दे रखा है इसमें माइक्रोबायोलॉजी भी, तो ये परचेज कर लेना, अच्छी है, ठीक है। देन हम यहाँ पे बात करें एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की रोज एंड विल्सन बेस्ट होती है। इसमें ना तो ज़्यादा होता है एंड ना तो कम होता है, बिल्कुल अच्छे से होता है, वेल एक्सप्लेन होता है एंड पीछे के फैक्ट्स भी थोड़ा थोड़ा कवर करा देती है एंड चैप्टर भी जल्दी फिनिश करा देती है। तो मस्ट रिकमेंड करूँगी कि रोज एंड विल्सन की ही बुक तुम्हें परचेज करनी है। देन साइकोलॉजी के बारे में बात करें, साइकोलॉजी की कौन सी बुक तुम्हें परचेज करनी, तो साइकोलॉजी की ये जो मैं बुक बता रही है बेस्ट है, ठीक है। आर श्रीवनी की ये जो बुक है बेस्ट है इसमें, एंड ना ज़्यादा ये ऐसा होता है कि डीप कंटेंट देती है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में जितना तुम्हें पढ़ना है उतना ही पढ़ो। लाइक एनाटमी में तुम्हें ऐसे नहीं है कि यहाँ पे रिसर्च नहीं करनी, एनाटमी तुम्हारे सिर्फ फर्स्ट ईयर में आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ जनरल तुम्हें थोड़ा ओवरव्यू लेना है, तो जो मैं बुक्स बता रही हूँ यही परचेज करनी है तुम्हें, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। साइकोलॉजी के बारे में ये बेस्ट बुक है साइकोलॉजी की, ठीक है। इसमें हर चैप्टर हर थ्योरी बहुत 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 अच्छे से दे रखी है, साइकोलॉजी के लिए बेस्ट बुक है। एंड वीडियो कैसी लगी हो, अगर और किसी स्टूडेंट को इससे बेनिफिट मिले तो वीडियो में मेंशन कमेंट में मेंशन करना है एंड तुम इन सभी बुक्स को डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके परचेस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।